भक्ति दात अनुपम सुख मूला, मिल ही जो हो भी संत अनुकूला। संत रीझ जाएंगे तभी हमारे हृदय में भक्ति आएगी, संतों की कृपा से ही भक्ति। इसलिए राम जी माते श्री बेलनी को कहते हैं प्रथम भक्ति संतन कर संगत। बरसाना में स्वामी कर्णदास जी महाराज के द्वारा श्री निकुंज अष्टयाम कथा का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 4 मार्च से 10 मार्च तक चलेगा। इस कथा में सैकड़ों की संख्या में भक्तगण मौजूद रहे और रोजाना सैकड़ों की संख्या में भक्त कथा सुनने के लिए आते हैं। राधा कृष्ण परिवार के द्वारा संतों की सेवा के लिए 108 कुटिया हैं भजन करने के लिए बनाई जा रही हैं, जिसमें कि आधा काम पूरा हो चुका है और बाकी का काम चालू है। और कुटिया में फ्री लाइट दी जाएंगी। कुटिया का खर्चा राधा कृष्ण परिवार ट्रस्ट के द्वारा उठाया जा रहा है और संतों की कुटिया भजन करने के लिए फ्री में उपलब्ध कराई जा रही हैं। वहीं पर राधा कृष्ण परिवार ट्रस्ट में संत सेवा के लिए चिकित्सा की सुविधा भी उपलब्ध कराई है, जो कि गोवर्धन में परिक्रमा मार्ग में स्थित है। संतों के लिए कार्ड बनवाए जा रहे हैं, जिसमें कि फ्री में भोजन चिकित्सा आदि मुहैया सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। और भाई बताया जा रहा है कि बरसाना में लठामार होली को लेकर जितने भी श्रद्धालु बाहर से बरसाना होली देखने या खेलने के लिए आ रहे हैं, उनको राधा कृष्ण परिवार ट्रस्ट के द्वारा लड्डू एवं जलेबी भोजन के उपलब्ध कराए जाएंगे, जो कि भरपूर मात्रा में बनाया जा रहा है। वहीं पर बताया जाता है कि बरसाना में दूसरी जगह और कुटिया मनाई जाए, जो कि महिलाओं के लिए होंगी। जो महिला भजन करने के लिए उत्सुक है, उनके लिए कुटिया उपलब्ध कराई जाएगी। राधा कृष्ण परिवार ट्रस्ट के द्वारा संत सेवा जगह जगह की जा रही है। बरसाना, गोवर्धन, वृंदावन, मथुरा आदि शहरों में संतों के लिए भजन करने की व्यवस्था की जा रही है। ये बरसाना में 108 कुटिया बन के जब तैयार हो जाएंगी, नवंबर तक ये तैयार हो जाएंगी, ये सब संतों को बांटी जाएंगी। एक एक कुटिया संतों को दान की जाएगी, क्योंकि कुटियों के अभाव में अनुकूल वातावरण नहीं मिल पाता तो उसे भजन में संतों की विघ्न पड़ता है, तो संतों को एकांत स्थल चाहिए, इसलिए संतों के लिए कुटिया बन रही है। और आगे कुछ क्या कार्यक्रम रहेंगे यहाँ पे संतों की सेवा के लिए? यह है कि जो भी संत यहाँ रहेंगे, जीवन भर के लिए उनके लिए भोजन की व्यवस्था, कोई भी संत आए जीवन भर के लिए भोजन की, वस्त्र की आवश्यकता, जो भी उनको आवश्यक सामग्री जीवन उपयोगी सब सुलभ होगी, निशुल्क। और साथ में यदि बीमार भी पड़ गए तो उनका फ्री में इलाज होगा, निशुल्क उनका इलाज होगा हॉस्पिटल में। वो हॉस्पिटल भी बनकर तैयार हो चुका है राधा कृष्ण परिवार सेवा ट्रस्ट के द्वारा। ये सब कार्य संपन्न होने जा रहे हैं। 108 कुटिए हैं और साथ में गोवर्धन में हॉस्पिटल, जहाँ समस्त संतों का निःशुल्क उपचार होगा। और बरसाना में एक स्थान और बन रहा है, वो महिला संतों के लिए है, क्योंकि यहाँ पर महिला प्रवेश वर्जित हो गया संतों के लिए। वहाँ पर बगल में ही बाज़ार में
महिला संतों के लिए कुटिया बन रही, वो भी जब कुटिया बन जाएगी महिला संतों को फिर वितरित हो जाएंगी, उनको दान दी जाएंगी।